हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल सुबह के 5:30 बज चुके हैं, मम्मी उठ गया हूँ, दीदी भी उठ गई है, मम्मी और रोहित अभी बाबू भी सो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा उजाला नहीं है, थोड़ा उजाला हुआ है, तो मैं फिलहाल टफी को लेकर निकलता हूँ, उसको घुमा के लेके आऊँगा। आज हमें एक जगह फंक्शन में जाना है, आज सभी लोग जाएंगे, मम्मी भी जाएगी, दीदी भी जाएगी, मैं भी जाऊँगा, रोहित भी जाएगा। एक्चुअली मौसी के घर का गृह प्रवेश है, मौसी का नया घर बना है, उसका गृह प्रवेश है, तो वहाँ जाना है। अभी वो लास्ट टाइम गया था मामा के साथ में, तो वहीं गया था मैं उनका घर देखने, क्योंकि पता था नहीं कहाँ पर है। एक बार गए थे तो रास्ता भटक गए थे, तो मतलब पहले से एक बार घुमाया जाए, उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी, तो सीधे घर जाके घर में पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल चलते पहले टफी घुमा लाएँ, उसके बाद क्योंकि दूध लेने भी जाना है, दूध की गाड़ी आने वाली होगी, पूछ लेते हैं एक बार दूध की गाड़ी आ गई है कि नहीं। दुकान में अब साफ सफाई काम शुरू होगा, और थोड़ा सा साफ सफाई ज़्यादा करनी है, क्योंकि फ्रिज के पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा कूड़ा जमा हो गया है, तो इसको जो है मैं पहले साफ़ कर देता हूँ, तो जल्दी से तुरंत हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। तो पहले सफाई करते हैं, फिर बैठेंगे दुकान में। आज मैं नहा के नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था। आज मुझे 2 बार सुबह सुबह जाना पड़ा, एक बार दूध लेने गया तो पान भुलाया था, दोबारा पान लेने भी गया फिर। तो फिर अभी फिलहाल सफाई करते हैं पहले, फिर बैठते हैं दुकान में। तो गाइस, साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है, फिलहाल बैठते हैं दुकान में। अभी मेरी कल की एडिटिंग भी थोड़ी बची है, कल की एडिटिंग भी कंप्लीट कर लें, एडिटिंग पूरी करके फिर बैठते हैं दुकान में। नाश्ता आ गया घर से, देखिए नाश्ते में आया क्या है। मैगी, आज सुबह बढ़िया मैगी बनी थी, और टेस्टी भी बनी है। दीदी ने बनाई, चाहे मम्मी ने बनाई हो, मुझे तो नहीं पता। फिलहाल जो है पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके बैठते हैं दुकान में। नहा धोके रेडी हो चुका हूँ, आया था घर, मैं दुकान बढ़ा के आ गया हूँ, क्योंकि मम्मी चली गई वहाँ मौसी के यहाँ, उनके गृह प्रवेश में। रोहित को जा रहा ड्यूटी छोड़ने के लिए, ड्यूटी छोड़ के मैं फ़ौरन निकल जाऊँगा मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ थोड़ा देर देखूँगा, फिर दोपहर में चलाऊँगा, कि दुकान भी खोलनी है, तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पर रोहित को छोड़ने के लिए, छोड़ के निकलते हैं। मैं आया मौसी के गृह प्रवेश में, तो मौसी के घर जो है दिखाता हूँ मैं आपको, भाई तो पूरा एक कमरा दिखाएंगे। अभी पंडित जी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं आपको घर घुमा देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है मौसी का घर, तो चलते हैं फिलहाल अंदर। ये देखिए, ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पार्किंग घर की है। ये ऊपर छत में जाने की सीढ़ी, और ये किचन है, ये किचन में दीदी कुछ खाना बना रही हैं, ये मामी बैठ के चाय पी रही हैं। ये फिलहाल ये है कि मम्मी और दीदी पूजा की तैयारी कर रही हैं। एक ये बेडरूम है, ये बेडरूम में इसके बगल में भी एक रूम है, एक रूम ये रहा, यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ये मम्मी ने बनाई है, चौक मम्मी और दीदी ने मिलके दो जनों ने बनाया है। ये देखिए खिड़की जो है, ये वेंटिलेशन के लिए बढ़िया जगह है खिड़की, बहुत कॉर्नर का प्लॉट है, क्योंकि तो दोनों तरफ से टू साइड ओपन है। और ये वॉशरूम है, ये उनका आंगन हो गया, ये ऊपर छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ, लाल चलते छत में। ये देखिए, ये बैठी है पागल लड़की, ये आतंकवादी। ये देखिए चलते हैं, ये देखिए चारों तरफ जो है, यहाँ पे आपका खुला खुला एरिया है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का, बड़े पेड़ वेड़ भी लगे हैं काफ़ी सारे, लोग रहते भी हैं, बसा हुआ मोहल्ला है। ये बगल में एक घर है, यहाँ पेड़ लगे हैं सब्जी वगैरह के।
मामा जी खाना बना रहे हैं, मामा जी की रोटी बना ले। तो गाइस मैं चला आया था दुकान, तो फिलहाल मम्मी और दीदी भी वहीं हैं गृह प्रवेश में पूजा में, तो शायद पूजा वूजा तो होगी होगी, मेरे सामने कथा वगैरह सब हो चुकी थी। फिलहाल मैं चला आया था दुकान में, दुकान काफ़ी देर बंद थी, कई मम्मी और दीदी वहीं हैं, कभी शाम को मैं भी जाऊँगा, शाम को मैं और वही दोनों जने जाएंगे, तो जब तक हम बैठते हैं दुकान में। तभी देख मम्मी कहाँ है, मम्मी जा इधर देख, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई भाई, मम्मी आ गई, अले 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 मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, हम लोग चले गए थे मम्मी। बुदकुट खा रहा है, बुदकुट आ जाओ। मैं अभी आ गया घर, दुकान बढ़ा दी है, खाने आने की इच्छा तो नहीं है कि मौसी के यहाँ खाना हो गया था, तो मैं काफ़ी खाना हो गया तो मैं अब नहीं खाऊंगा घर में, तो फिलहाल मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। ये देखिए टफी को, भाई साहब को ये ले, लाइट चली गई, ये देखिए इसको, ये मेरी जगह पर लेट गया, मैं इसको उठा रहा हूँ तो उठ भी नहीं रहा। टफी उठो, कपड़े चेंज करते हैं फिलहाल और फिर सोते हैं, कि आज ब्लॉग अब कल सुबह एडिट करूंगा अपना। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।